हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हत्या की धाराओं और नहीं दर्ज किया मुकदमा, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। मंडी धनौरा, हत्या कर पेड़ पर शव लटकाए जाने के मामले और पुलिस ने MJNCR दर्ज करके मामले से पल्ला झाड़ लिया है। हत्या की धाराओं और मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी। जिस समय की मौके वारदात के हालात पूरी तरह से हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। हत्या की धाराओं और मुकदमा दर्ज ना होने से पुलिस पर हत्यारोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। बताया जाता है कि हत्यारोपियों और एक लोग पुलिसकर्मी है, जैसा पहले यहाँ तैनात रह चुका है, उसकी फिलहाल तैनाती भी नहीं खोली जा रही है। थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर लोहरा निवासी संतोष यादव निकटवर्ती गांव कुचेलपुर के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शिक्षक थे। मंगलवार की सुबह वह पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गया था। शाम तलक जिस समय वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही परिजन शिक्षक की लगातार खोजें समयीन कर रहे थे। बुधवार की सुबह 11 बजे शिक्षक का भाई अश्वीर यादव, जैसा उप जिला अधिकारी धनौरा की जीप चालक है, को शिक्षक का खून से सना शव पेड़ से लटका मिला। कुछ ही समय और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे SO ने शव को नीचे उतारा। शिक्षक संतोष की शर्ट को ही फंदा बनाया गया था। शिक्षक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस को घटनास्थल के पास से ही खून से सनी दरांत मिल गई है। मृतक के भाई की ओर से चार के खिलाफ नामजद दी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ NCR दर्ज कर ली है। पुलिस पर हत्यारोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, लेकिन कोई कुछ भी खुलकर नहीं बोलना चाहता। जिस समय की पुलिस हमी सफाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कर रही है, उसका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे और धाराएं बढ़ाई जाएंगी। कहीं भूमि विवाद और तो नहीं हुई हत्या? मंडी धनौरा, मौके पर मौजूद लोगों की बात पर यकीन किया जाए तो ऐसा लगता है कि भूमि विवाद के चलते शिक्षक की हत्या की गई है। बताया जाता है कि शिक्षक की हत्या को लेकर शक के दायरे और आए निकटवर्ती गांव कुचेलपुर के दो और रास्तावारी निवासी एक लोग ने एक विवादित भूमि खरीदी थी। उस भूमि का आरोपियों ने शिक्षक के नाम बैनामा करा दिया था। वहीं उस भूमि पर काबिज एक लोग लगातार भूमि खरीदने वालों को धमका रहा था। शिक्षक के परिजनों का भी मानना है कि उनकी हत्या भूमि विवाद के चलते हुई है। पुलिस बल को करनी पड़ी मशक्कत। मंडी धनौरा, विवादित भूमि और शामिल राम रास्तावारी निवासी ग्रामीण शिक्षक की लाश मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंच गया। उसे देखकर शिक्षक के परिजन और ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो गए। उन्होंने रास्तावारी गांव के दूसरे समुदाय के उस लोग को घेर लिया। थानाध्यक्ष ने कड़ी मशक्कत के नाम आरोपी युवक को बचाया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।